जेएम कर्नाटका जो हाल ही में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कदम है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कर्नाटका स्टेट को शोकेस करने के लिए और हमारे जो टैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको शोकेस करने के लिए बहुत अच्छा है। ये पहले भी हुआ है, पहली बार तो नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ है, इट्स अ गुड थिंग। और जो सबसे बड़ा फिगर निकल के आ रहा है कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अच्छा फिगर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इट्स गुड, वेरी गुड। जहाँ तक इसमें दो हिस्से हैं, जब इन्वेस्टमेंट की जो बात हो रही है तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इट इज़ ऑन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सर्विस सेक्टर में हो रहा है। जो एज ए मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से अपनी मेरी पर्सनल राय रखना है तो MSMEs के लिए ये इतना खासा कुछ नहीं हुआ इसमें। ये एक अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि MSME इसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्चुअली MSME इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग के जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कम हुआ है उसको हम लोग प्री कोविड लेवल्स के लेवल्स में जाएंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को, तो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डबल हो सकता है। हाँ, अभी जो इन्वेस्टर्स की बात आ रही है इसमें 2.6 करोड़ के ऑलमोस्ट आई थिंक 2.6 और 2.8 करोड़ के MOUs साइन हुए हैं, ज़्यादातर ये सर्विस एंड एनर्जी सेक्टर में हुए हैं। तो ये जो है इसका इम्पैक्ट यस Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के लिए होता है, बिकॉज एनर्जी जो सोलर प्लांट जो आजकल लग रहे हैं वो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में हो रहे हैं, तो लोकली उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। मगर ये जो MSMEs के लिए है खासा कुछ है ही नहीं इसमें। दूसरी बात, ऐसे जो पहले भी जो इन्वेस्टर्स मीट हुए थे उसके रिकॉर्ड्स हमारे सामने क्लियरली नहीं है कि भाई पहले जितना इन्वेस्टमेंट हुए थे कितना परसेंटेज सही में वो इम्प्लीमेंट हुए, कितना टाइम लेके इम्प्लीमेंट हुए, ये डेटा हमारे पास तो फिलहाल में नहीं है। तो वेट कर रहे हैं हम लोग, इंशाल्लाह डिटेल्स गवर्नमेंट मुहैया कराएगी तो उसके बारे में और हम लोग अपने कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे अपने नज़रियात रख सकते हैं। वी नीड डेटा, हमारे पास डेटा आएगा। जो पहले ये जेएम में क्या हुआ था, तो कितने इन्वेस्टमेंट हुए थे, कौन से सेक्टर्स में हुए थे, उसका क्या है, ये डेटा वर्सेस अब जो कमिट करी एक एनालिसिस कर सकते हैं हम। अब फिलहाल इसके बारे में गुंजाइश नहीं है, हमारे पास इतना डेटा नहीं है। और खासा खास जो प्राइमा फेसी हमको जो दिख रहा है MSME की हम जो बात करते हैं, MSME के लिए इसमें खास कुछ है नहीं।